गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीरियड फर्स्ट है आपके यूनिट फर्स्ट है ज्योग्राफी की, जिसमें देखा गया दे रखा है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। अब पाठ्यक्रम क्या होता है, सबसे पहले हम देखिए पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य, पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य, और क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य विषय की विषय वस्तु की व्यवस्था को पाठ्यक्रम कहा जाता है। विषय व्यवस्था कैसी होगी कि पढ़ने योग्य, मतलब पाठ्यक्रम जब हम निर्धारित कर रहे हैं या एक पाठ्यक्रम हमारा किसी चीज का व्यवस्थित रूप से संगठित है, तो उसको हम क्या एक व्यवस्थित क्रम में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। किसी भी विषय का पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है तो हम उस विषय को पढ़ने में क्या करेंगे, कठिनाई अनुभव करेंगे, वो विषय हमसे पढ़ा नहीं जाएगा। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि एक कोई निश्चित प्रारूप हमारे सामने नहीं है, एक निश्चित हमारे सामने कोई समय सीमा नहीं है, निश्चित हमारे सामने कुछ विषय वस्तु नहीं है। तो जब कोई चीज़ निश्चित ही नहीं है तो उसको हम किस आधार में पढ़ेंगे, कोई व्यवस्था ही नहीं है उस चीज़ की। सपोज मान लो अगर हम स्कूल में जाएँ और स्कूल में जाकर वहाँ पे हमारे को बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, अध्यापक नहीं है, पुस्तकें नहीं है, भौतिक संसाधनों की कमी है, तो क्या उस विद्यालय में कोई अभिभावक या बालक कोई पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या दिक्कत है कि व्यवस्था का जो एक क्रम है या जो एक व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। मतलब पढ़ने के लिए जो पढ़ने योग्य व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था उस विद्यालय में नहीं है, तो कोई बालक उस विद्यालय में जाकर नहीं पढ़ना जाएगा, शिक्षा ग्रहण नहीं करना जाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। लैटिन भाषा के क्यूरेर से बना है ये शब्द। क्यूरेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम भी वही मार्ग है जिसका अनुसरण करके लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। बालक जितना दौड़ेगा, एक पाठ्यक्रम निर्धारित होएगा, तो जब पाठ्यक्रम निर्धारित है तो बालक जितना दौड़ेगा वो अपने लक्ष्य के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है उस पाठ्यक्रम को पढ़कर। जैसे सपोज मान लो एक मैदान है, एक मैदान में एक धावक दौड़ रहा है, जब मैदान में धावक दौड़ रहा है तो धावक क्या करेगा, उस मैदान की पूरी दूरी को कंप्लीट करेगा। जब मैदान में वो पूरा दौड़ लेगा तब क्या हो गया, हाँ मैदान पूरा कंप्लीट उसने कर लिया, तो उसने मतलब कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। तो शिक्षार्थी भी क्या करता है, जो पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम को एक अवधि का, दो अवधि का, जो भी पाठ्यक्रम निश्चित है उस पाठ्यक्रम को पढ़कर अपने मैदान को पूरा कर लेता है, मैदान में दौड़ लेता है, और जब वो उस पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो अपने लक्ष्य की कहीं ना कहीं प्राप्ति कर लेता है, मतलब उसका अनुसरण करके वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तो पाठ्यक्रम भी वही मार्ग है जिस पर दौड़कर शिक्षक या शिक्षार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। 2015 में रीट में भी क्वेश्चन आया था कि पाठ्यक्रम का अर्थ या दौड़ का मैदान किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया था दौड़ का मैदान का अर्थ या अभिप्राय क्या है। तो दौड़ के मैदान का अर्थ और अभिप्राय पाठ्यक्रम होता है कि पाठ्यक्रम जिस पर दौड़कर शिक्षार्थी क्या कर सकता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। पाठ्यक्रम की विशेषता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। सबसे पहली विशेषता है शिक्षक के स्तर के को गुणात्मक बनाने के लिए होना चाहिए, कि शिक्षा का जो स्तर है उसका क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पाठ्यक्रम एक तो स्तर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और एक गुणात्मक होना चाहिए। स्तर के अकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि अगर स्तर के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम नहीं है तो बालकों को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होगा। जब उसके स्तर का ही वो विषय वस्तु वो टॉपिक नहीं होगा तो उसको पढ़ने में कठिनाई अनुभव करेगा। जब कठिनाई अनुभव करेगा तो वो बालकों वो उसको या तो पढ़ेगा ही नहीं या तो छोड़ देगा, और अगर पढ़ेगा तो उसको वो सही से समझ नहीं पाएगा। तो पाठ्यक्रम स्तर के अनुकूल होना चाहिए, स्तर अनुकूल होना चाहिए। दूसरी बात, पाठ्यक्रम गुणात्मक होना चाहिए, कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें कोई ना कोई गुण निर्धारित हो। अगर गुण निर्धारित होएगा तो बालक उसको समझ सकेगा,
उसको अपना सकेगा, उसको पढ़ सकेगा। गुण निर्धारित नहीं होगा तो बालक उसको ना तो समझ पाएगा ना अपना पाएगा। फिर है रोजगार परक और समाज उपाध्यता बढ़ाने वाला हो। रोजगार परक इसलिए क्योंकि जो भी हम पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार से संबंधित होना चाहिए। अगर रोजगार से संबंधित या रोजगार परक नहीं है पाठ्यक्रम तो क्या होगा, उस विषय वस्तु को पढ़ने में एक उबाऊपन आएगा या उसको हमारे लिए निरर्थक लगेगी हमें। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम कोई भी पढ़े लेकिन उस पाठ्यक्रम का उद्देश्य या उस पाठ्यक्रम का लक्ष्य कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त कराने वाला होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपना आजीवन या रोजगार प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर सके। समाज उपाध्यता बढ़ाने वाला पाठ्यक्रम ऐसा हो जो समाज में उपाध्यता या समाज में एक उपयोगिता रखता हो या समाज की उपयोगिता को बढ़ाता हो। सपोज मान लो किसी देश का किसी राज्य का एक पाठ्यक्रम ऐसा है, अच्छा पाठ्यक्रम है, जिसको पढ़कर उस क्षेत्र के उस राज्य के या उस देश का नाम हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है पाठ्यक्रम में या समाज की उपाध्यता या उस देश की उपाध्यता बढ़ रही है, उस देश की उपयोगिता बढ़ रही है, उस देश से कई सारे रोजगार के साधन या रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। फिर है पाठ्यक्रम तीसरा अभ्यास और कार्य अनुभव का अधिक महत्व होना चाहिए पाठ्यक्रम में। जितना अभ्यास बालक करेगा व्यक्ति करेगा किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़कर उतना ही वो कार्य का अनुभव और अच्छे से अच्छे उस कार्य को कर पाएगा क्योंकि उतना ही अनुभव उसे प्राप्त होगा। तो अभ्यास और कार्य अनुभव पर आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम। फिर ये पाठ्यक्रम छात्र के दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। सपोज मान लो हम ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम ले रहे हैं तो पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं बालक के दैनिक जीवन से या उसके दैनिक क्रियाओं से या जो उसका आसपास का वातावरण है उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर उससे संबंधित नहीं है तो बालक को कहीं ना कहीं पढ़ने में उस चीज़ को समझ में लेने में दिक्कत आएगी। सपोज मान लो इसका जैसे एक उदाहरण, जैसे हम बालक को पढ़ा रहे हैं वाष्पीकरण। अब जब हम बालक को वाष्पीकरण पढ़ा रहे हैं तो वाष्पीकरण पढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। सीधा सा उसको एक उदाहरण से हम समझा सकते हैं कि वाष्पीकरण की क्रिया, गीले कपड़ों को हमने धूप में सुखाया, धूप में जब वो गीले कपड़े सूखे तो उसमें से जो पानी बनकर बाहर निकला ऊष्मा के द्वारा, तो वो क्या हुआ, कौन सी क्रिया हो गई, वाष्पीकरण की क्रिया हो गई। तो इस तरीके से सरल उदाहरणों के आधार पर भी पाठ्यक्रम को समझाया जा सकता है। पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं या वातावरण कहीं ना कहीं उसके दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए तो उस पाठ्यक्रम को पढ़ने में रुचि लेगा, उस पाठ्यक्रम को पढ़ेगा समझेगा। फिर पश्चिमी देशों के साथ विकास के आयामों की पूर्ति पर आधारित होना चाहिए। वर्तमान समय में पश्चिमी देशों के साथ में जितने भी नई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो रही है, जितने भी नए नए व्यवसाय उपलब्ध हो रहे हैं, तो पाठ्यक्रम का निर्धारण पश्चिमी देशों के साथ विकास के आयामों की पूर्ति करने के लिए होना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, हमारे रोजगार उपलब्ध करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय कर सकें उनके साथ में, तो ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। फिर पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पहला पॉइंट है पर्यावरण केंद्रित का केंद्रीयता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम पर्यावरण केंद्रित, क्योंकि जब ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम भूगोल का पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण केंद्रित होना चाहिए। अगर पर्यावरण केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होगा तो बालक को पर्यावरण या वातावरण को समझना जब नहीं समझेगा तो उसको उसके बारे में पता ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम सबसे पहला सिद्धांत है कि पर्यावरण केंद्रित होना चाहिए, वातावरण से संबंधित होना चाहिए। दूसरा है समाज केंद्रित पाठ्यक्रम। समाज केंद्रित सिद्धांत के पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं समाज से संबंधित या समाज केंद्रित होना चाहिए, जिससे उस पाठ्यक्रम को समाज के आधार पर पढ़ा जा सके। मतलब ये हम ही कह सकते हैं कि समाज इन द सेंस कि जब वो पढ़ रहा है बालक तो कहीं ना कहीं उसको पढ़कर या उसको ग्रहण करके वो क्या कर सकता है, समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। तीसरा है उद्देश्य व लक्ष्यों की दृष्टि से रखने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या, सिद्धांत क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए,
कि उद्देश्य और लक्ष्य आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो और कोई ना कोई लक्ष्य प्राप्त हो रहा हो। बिना लक्ष्य या बिना उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम का कोई महत्व नहीं रहता है। ऐसा पाठ्यक्रम निरर्थक या बेकार होता है। इसलिए पाठ्यक्रम लक्ष्य और उद्देश्य आधारित होना चाहिए। उपयोगिता आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम की कोई ना कोई उपयोगिता। सपोज मान लो पर्यावरण जब बालक को पढ़ा रहे हैं, एक पर्यावरण का पाठ्यक्रम हमने निर्धारित करा पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण भूगोल का, तो जब हम पर्यावरण को पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाते टाइम उस पर्यावरण में क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या गुण है, सारी चीज़ों का ज्ञान बालक को कराना चाहिए। तो पाठ्यक्रम उपयोगी भी होना चाहिए। फिर है पाठ्यक्रम क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशील होना चाहिए। जब पाठ्यक्रम अभ्यास या कार्य अनुभव होगा विशेषता है तो पाठ्यक्रम क्रियाशील भी होगा। अगर पाठ्यक्रम क्रियाशील नहीं है तो वो एक क्या होगा, उपाऊपन लेकर आएगा। उसमें हम कोई नया कार्य नहीं कर रहे, उसको पढ़ने में हमें बोरिंग होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता होनी चाहिए। अगर क्रियाशीलता नहीं होगी, मतलब जैसे जैसे पाठ्यक्रम आगे बढ़े वैसे वैसे पाठ्यक्रम अगर रोचकता नहीं बढ़ेगी तो पाठ्यक्रम क्रियाशील नहीं है, रोचक नहीं है। फिर है पाठ्यक्रम लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, समय आने पर उसमें चेंजेस करे जा सके। ऐसा नहीं है कि ऐसा पाठ्यक्रम हमने रख दिया कि जिसमें कोई चेंजेस या कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए पाठ्यक्रम परिवर्तन करने आधारित होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर अगर वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो बालकों को हम वर्तमान समय की जानकारी नहीं दे सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय आधारित पाठ्यक्रम में चेंजेस या परिवर्तन करने वाला होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। फिर है बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम सीधी सी बात है, जितना भी हम पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं सबसे पहले ही हमने पॉइंट लिया था कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, स्तर के और अनुसार होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, बालकों के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम बालक के लिए हो, पाठ्यक्रम बालकों के लिए होना चाहिए जिससे बालक उसको पढ़कर अपने लक्ष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके, उसको समझकर पश्चिमी देशों के साथ नए विकास या नए व्यवसाय कर सके। तो ऐसा पाठ्यक्रम क्या करेगा, बालकों के लिए एक उपयोगिता प्रदान करेगा। अगर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होगा तो बालक उसको समझने में कठिनाई अनुभव करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना जरूरी है। तो सबसे सीधी से देखिए, पाठ्यक्रम जब निर्धारण कर रहे हैं, किसी भी विषय का पाठ्यक्रम जब हम निर्धारित करते हैं तो पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं बालक से संबंधित, बालक के स्तर के अनुकूल और बालक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो पाठ्यक्रम सही है, पाठ्यक्रम अच्छा है और बालक के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं क्या है, कमियाँ है, तो जिसके आधार पर बालक उसको नहीं पढ़ पा रहा है। तो आपका पाठ्यक्रम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है पाठ्यक्रम, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन और नोट्स आपको पीडीएफ में सेंड कर दे देंगे। थैंक यू।